तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ किस तरह से प्रोसेसर इस लैपटॉप का किस तरह से क्या है, कैसे रिमूव कर सकते हैं उसको, चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो ये जो HP का लैपटॉप है, ये इसका मॉडल है। तो आप देख सकते हैं HP 15BS003TU, ये HP का लैपटॉप का मॉडल है। इस लैपटॉप के मॉडल को इस तरह से करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेसर इसमें क्या कैसा है, कौन सा है इसमें। तो ये देखिए, कवर जो है इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं किस तरह से रिमूव करते हैं। तो अब मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा, सारे बारे में मैं बता चुका हूँ, बना चुका हूँ इसकी वीडियो। तो आज मैं आपको सिर्फ जो दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ, ये जो आपको प्लेट दिख रही होगी, तो इसके अंदर लैपटॉप में इस मॉडल के अंदर जो होता है वो फ़ैन नहीं होता, खाली ये एलुमिनियम प्लेट होती है। तो इसके अंदर प्रोसेसर है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेसर जो है वो रिमूवेबल है या रिमूव नहीं हो सकता, या आपको हमेशा इसी प्रोसेसर को यूज़ करना पड़ेगा जब तक आप लैपटॉप चेंज नहीं करते। तो देखिए, सिर्फ यहाँ पे ये 4 स्क्रू हैं, इसको इस तरह से ओपन करते हैं तो ये एक हो गया है, और यहाँ पे ये दूसरा है, और फिर ये तीसरा है यहाँ, और ये फोर्थ है यहाँ पे, चौथा। तो ये सब हैं यहाँ स्क्रूज़ को थोड़ा सा और मुझे करना है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर कि कौन सा प्रोसेसर लगा है इसके अंदर और ये रिमूवेबल है या नहीं है। तो इस प्लेट को हम यहाँ से उठाते हैं और इस तरह से अलग कर लेंगे। तो ये जो प्लेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस तरह की एल्युमिनियम की प्लेट है। यहाँ पे प्रोसेसर अटैच होता है, यहाँ पे इससे टच होता है, ये ऊपर से इस तरह से। तो हम यहाँ आएंगे और इसको देखेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे ये इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये प्रोसेसर जो है यहाँ पे, ये जो प्रोसेसर है आप देख रहे हैं, ये प्रोसेसर है सेलरॉन का, और ये जो है इस मदरबोर्ड के साथ इन बिल्ड है। तो आपको इसी मॉड जो है आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये वाला लैपटॉप है, मुझे अपग्रेड करना है। तो बिल्कुल सेम साइज़ का, सेम डिज़ाइन का आपको मदरबोर्ड आप खरीद सकते हैं, अगर ज़्यादा अपग्रेड वाला आपको प्रोसेसर चाहिए। नहीं तो ये सेलरॉन है, और इसका मैं मॉडल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कौन सा सेलरॉन है ये। तो यहाँ पर ये जो है आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपको हमेशा यही यूज़ करना है इस लैपटॉप में। तो आप इसमें कौन कौन सी चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं, रैम, तो वो आप देख सकते हैं, रैम में मैंने दे दिया है कितनी आप मैक्सिमम इसमें बढ़ा सकते हैं, और हार्ड ड्राइव का मैंने बना दिया है। तो किस तरह से हम इसको रिप्लेसमेंट करेंगे, तो देखिए ये हार्ड ड्राइव रखी है, तो मैंने ये SSD लगाई है इसकी, मैंने बता दिया है। तो ये प्रोसेसर जो है आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको पूरा मदरबोर्ड ख़रीदना पड़ेगा लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको दोबारा से हम कैसे लगाते हैं। तो ये यहाँ पे हम रखेंगे, ये आप देख रहे होंगे, ये 1 2 3 4, इसके ऊपर हमें ये रखना है यहाँ, और ये इस तरह से हम यहाँ रखेंगे बिल्कुल सही से। तो ये आ गया है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही आ गया है। अब ये आप देखेंगे शेक नहीं होगा, और इसका जो ये कॉर्नर है वो यहाँ पे टच होता है। तो ये इस तरह से, उसके बाद हम जो है इसमें स्क्रू लगा देंगे। तो इसमें ये मैंने 3 लगा दिए, ये मेरा 4th है। तो इसको आपको इतना टाइट करना है कि ये आपका स्क्रू ड्राइवर जो है वो अपने आप ही रुक जाए। तो ये देखिए यहाँ रुक गया है, ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करना है इस पर, बस धीरे हल्के ऐसे इसको देखना है कि ये घूम तो नहीं रहा। तो ये यहाँ पे जैसे ये है, तो ये देखिए रुक गया, बस इतना करना है इसके अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया है प्रोसेसर इसमें किस तरह से, और आप डस्ट वगैरह साफ़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये इस लैपटॉप का मॉडल है। Thank you for now.